अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। आज 9 जुलाई है हमारे पास, सुबह पाकिस्तान में ईद है, जबकि आज दूसरे ममालिक में ईद मनाई जा रही है। तो आज मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास छोटी छोटी सलाद वाली मिर्चें हैं, ठीक है, तो जिनका अचार बनाते हैं, उसके बीज हैं, तो आज हम इन्हें लगाएंगे इधर इस पिंजरे के अंदर। जो हमने प्लास्टिक वाला जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने कपड़े बिछा के मट्टी भर ली, ऊपर रेत बिछा दी, तो उसमें हम आज इसकी सीडलिंग करेंगे। तो दोस्तों मौसम भी आज जो है ना काफ़ी बादल आए हुए हैं, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने इस तरह रेत खोदनी है, थोड़ी नरम करनी है, और ये हमने बीज जो हैं डिफरेंट जगह पर फैला देने हैं। उसके बाद हम इसे सिंपली इस तरह कर देंगे, क्योंकि रेत है, इसका कोई वज़न नहीं है। तो हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके नीचे मिट्टी है, ठीक है, ऊपर इसके रेत है, ये देखें नीचे मिट्टी आ गई। तो हम जस्ट इसी में आज बीज लगाएंगे, देखते हैं हमें इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये लगाने के बाद हम इसे देंगे पानी। पानी जो है आप शावर की मदद से भी दे सकते हैं, ये देखें रेत पानी सीधा नीचे मिट्टी तक पहुंचा देगी। तो अब देखते हैं कितने दिनों में इसकी सीडलिंग जो है स्टार्ट होती है। वैसे रेत में लगाने नहीं चाहिए, मगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, तो आई थिंक ये इतनी जल्दी खुश्क नहीं होगी। और जो ऊपर आपको नज़र आ जाए बीज, आप उसे सिंपली दबा दें इस तरह से। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।